अगर आपके भी इन्वर्टर में जब तक इस स्विच को दबाए रहा जाए तब तक ऑन हो, छोड़ने के बाद ऑफ हो जाए, ठीक है, तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, बस 5 मिनट का समय लगेगा और 5 रुपये का खर्चा लगेगा, इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे फिक्स किया जाए। सर कवर को खोल लीजिए, उसके बाद देखिए स्विच यहाँ लगा हुआ है, इस पीसीबी को खोल के आपको बाहर निकालना है। ठीक है, अब आपको ये जो स्विच दिख रहा है आपको इसको रिप्लेस करना है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है जिस कारण आपका स्विच दबाए रहने पे ऑन रहा है, छोड़ देने पे ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। ये मार्केट में मुश्किल से 4 से 5 रुपये या मैक्सिमम 10 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अब इसको कैसे रिप्लेस करना है, बस इसमें 6 पिन होता है, 6 पिन को रिमूव यहाँ पे डिसोल्ड करके निकाल के फिर दूसरा स्विच लगा देना, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। डिसोल्डर वायर के मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आप डिसोल्डर वायर से आसानी से करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका जो ट्रैक है वो ख़राब नहीं होगा। अच्छे से डिसोल्ड होने के बाद आराम से इसको यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप इसका टेंशन ना लीजिए, उल्टा लग जाएगा तो क्या होगा, सीधा लग जाएगा तो क्या होगा, आपको जिधर से भी लग जाए लगा दीजिए, इधर से लगेगा या इधर से लगेगा, इस तरह आपका लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें उल्टा सीधा का कोई बात नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, दूसरा स्विच उसी साइज़ का, 2 साइज़ का इसमें स्विच आपको मिलेंगे मार्केट में, आपको निकाल के ले जाना है मार्केट में, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, टाइप सेम है लेकिन थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, किसी के इन्वर्टर में UPS में ये भी मिलेगा लेकिन ज़्यादातर में आपको यही मिलेगा, उस टाइप स्विच भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका लगाते वक्त ये ध्यान दीजिए, इसका सभी लेग सीधे होने चाहिए, ठीक है, सभी लेग को सीधे करके अच्छे से उसमें बैठा दें। ठीक है, उसके बाद आप इस पर थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा दें ताकि सोल्डिंग अच्छे तरीके से हो सके। अब आपको फिर से सोल्डिंग कर देना है अच्छे से। सभी 6 लेग को अच्छे से सोल्डिंग करें आप। ठीक है, और ध्यान रहे कोई भी लेग आपस में शॉर्ट ना हो, मतलब एक दूसरे को टच ना करे। सोल्डिंग करने के बाद आप किसी भी पतले चीज़ से, नुकीले चीज़ से इस तरह गैपिंग करके चेक कर सकते हैं और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो क्लियर है, फिर आप इसको अच्छे से कस दीजिए जिस तरह कसा हुआ था, फिर मैं आपको कसने के बाद दिखा देता हूँ। एक बार पहले भी आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से इसको टाइट कर लेने के बाद अब देख लीजिए ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें और कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।